हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीरूके के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। अब आगे बात करते हैं जहाँ पे वुमेन बिग बैश लीग 2023 के मैच नंबर 52 जो कि खेला जाएगा बेसमैन हिट और सिडनी थंडर के बीच में। लगातार 3 मैच हारने के बाद बेसमैन हिट इस इंपॉर्टेंट मैच में जीत कर वापस टूर्नामेंट में बना रहना चाहेगी। वहीं अगर बात करें कप्तान जेस जोनासन जो कि आशा करती है फॉर्म में चल रहे प्लेयर इस मैच में अपना बेस्ट परफॉर्म करें। वहीं दूसरी ओर अगर सिडनी थंडर की बात की जाए तो टूर्नामेंट के प्लेऑफ में अपनी प्लेस फिक्स करने के लिए हैप्पी होगी। सिडनी थंडर ने 15 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल में 3rd प्लेस पर है। अब आगे बात करते हैं वेदर रिपोर्ट देखते हैं, तो मैच के लिए मैच का एनालिसिस करते हैं। 30 दिन हल्की हल्की बारिश भी हो सकती है, टेम्परेचर 10 से 19 डिग्री के सेल्सियस के बीच में रहने वाला है। वहीं अगर बात करें पिच रिपोर्ट, तो स्टार्ट में पिच थोड़ी सी स्लो रहेगी, फास्ट बॉलर को यहाँ पे हेल्प मिलेगी, बैटर्स को यहाँ बैटिंग स्ट्रोक खेलने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर टॉस प्रिडिक्शन की बात किया जाए तो दोनों टीमें टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का डिसाइड कर सकती है। एडिलेड में T20 मैच में फर्स्ट इनिंग का स्कोर 150 से 155 रन के आसपास होता है। आगे बात करते हैं 20 मिनट का शॉट एनालिसिस करते हैं, तो बैटिंग यूनिट में बात की जाए तो टीम रन स्कोरिंग के लिए ग्लेस हैरिस एक्सपीरियंस बैटर है। मिग्नोन डुप्रीज विकेट कीपर जॉर्जिया रेडियाने पर डिपेंड होगी। वहीं अगर ऑलराउंडर की बात करें तो अमेलिया केर और जिस जोनासन टीम को स्टेबिलिटी देते हैं। लास्ट मैच में अमेलिया के अंदर 20 मिनट के ये बैट से बेस्ट परफॉर्म किया था और 44 गेंदों में 10 चौके की मदद से 64 रन बनाए। केर के अलावा मिग्नोन डुप्रीज ने 27 गेंदों में 42 रन बनाए, जबकि चार्ली नॉर्ड ने 10 गेंदों पर चौकों और 2 छक्कों की मदद से 29 रन बनाकर फास्ट इनिंग खेली। वहीं अगर बॉलिंग यूनिट में बात करें तो टीम पर टाइम पर ब्रेक थ्रू दिलाने के लिए कटनी सिपेल, निकोला हैंकॉक, चार्ली नॉर्ड पर डिपेंड होगी। जेस जोनासन और अमेलिया केर के बॉलिंग में टीम के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकती है। वहीं अगर बात करें 20 मिनट के की प्लेयर, जहां पर जॉर्जिया रेडियाने, अमेलिया केर, मिग्नोन डुप्रीज और चार्ली नॉर्ड। अब आगे बात करते हैं सिडनी थंडर का शॉट एनालिसिस करते हैं, तो बैटिंग यूनिट में बात करें तो जहाँ पे सिडनी टीम ज़्यादा रन बनाने के लिए श्रीलंका की चमारी अथापथु, फोर्ट लिचफील्ड कप्तान हीटर नाइट की तरफ डिफेंड है। ऑलराउंडर की बात करें तो मरी जैन कैप, विकेट कीपर तहलिया विल्सन टीम को फ्रंट से लीड कर रही है। पिछले मैच में सिडनी थंडर के लिए एक विकेट कीपर तहलिया विल्सन ने अच्छा परफॉर्म किया था और 23 गेंदों पर 5 चौके की मदद से हाईएस्ट 33 रनों की इनिंग खेली थी। विल्सन के अलावा सैमी जो जॉनसन ने 44 गेंदों पर 26 रन बनाए, जबकि मारी जेन कैप ने 27 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 16 रन बनाए। बॉलिंग यूनिट में बात करें तो टीम टाइम पर विकेट दिलाने के लिए हन्ना डाली गटन, मार्जिनेन कैप स्टार्ट करेंगे। फास्ट बॉलर सैमी जो जॉनसन, लॉरेन स्मिथ अब तक अच्छा परफॉर्म किया, समांता बेट्स और चमारी अथापथु पर टीम पूरी तरह डिपेंडेंट है। लास्ट गेम में सिडनी थंडर के लिए फास्ट बॉलर मैजन कैप बेस्ट बॉलर थी, उन्होंने अपने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट लिए थे। अब आगे बात करते हैं सिडनी थंडर के की प्लेयर देखते हैं, तो की प्लेयर में है हीदर नाइट, मरीजैन कैप, चमारी अथापथु, तहलिया विल्सन। तो ये रहे दोनों टीमों का शॉर्ट एनालिसिस। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर लिया, अब चलते हैं विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का विनर होने वाला है 20 मिनट की टीम होगी जो काफ़ी अच्छा बेस्ट फॉर्म में चल रही है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।